अरे 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 रे, ये घर है कि धर्मशाला, एक चीज नहीं मिलती रामदास। अरे गप्पी दास, क्या चाहिए? दवाइया, खांसी के मारे करे जानू। मेरी सफेद गोलिया गोलिया कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? अरे ये क्या हुआ? सिर फिर गया, सफेद गोलिया। अरे गप्पीदास, सफेद गोली कितने दिन लोगे? दिन में 6-6 बार खाते हो। गोली खाता हूँ तभी तो मैं जिंदा हूँ, वरना। अरे 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 अरे, डॉक्टर साहब ने तुम्हें पंप दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो, यूज करो। यूजलेस है वो, यूजलेस। अरे यूजफुल कहो, यूजफुल। अरे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं पंप का इस्तेमाल करो, गोली खाना बंद करो, खाशन गाजी गन करो। तू नेता है क्या? नेता नेता? अरे नेता क्या होता है? जो सक्से लेता है वो नेता है। देखो बक बक बंद करो और मेरी बात सुन लो, समझे? क्या? देखो ज्यादा गोली खाने से एसिडिटी बढ़ती है, शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज होती है, और गप्पीदास नींद भी नहीं आती। नींद मुझको आए, दिल मेरा घगराए, ला 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 ला। अरे इसीलिए कहता हूँ पंप का उपयोग करो। वो कौन से धुआं खींचना? छिची 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 छिची। अरे गप्पीदास, वो सिगरेट का धुआं थोड़ी है। अरे वो दवा है, दवा। कुछ भी कहो यार, वो आदत करती है, मुझे मालूम है आदत करती है। अरे आदत बादत कुछ नहीं, सब गलत है, छूट है ये। सच बात बोलू, कम क्यों नहीं अच्छा लगता? क्यों क्यों? मुझे तो शर्म आती है ठीक सब लोगों के सामने, ना ना। अरे गप्पीदास, उसमें शर्म की क्या बात है? अस्थमा एक आम बीमारी है और तुम सही ढंग से उसका इलाज कर रहे हो। ये तो सही है यार। तो अब पंप का उपयोग करोगे ना? ना, नो, नहीं वे, ना। क्या? ना, नो, नहीं वे, ना। उससे तो गोली की परेशानी ही अच्छी है। तुम्हारी अकल कच्ची है, सच्ची बात बोलू तो आप तक झूठ बोल रहे थे। देखो गप्पीदास, सच बात तो ये है, गोली खाने से 1 घंटे के बाद आराम मिलता है और पंप से तुरंत। एक बार इस्तेमाल किया था यार। अरे अटैक आने पर तुम बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पंप में बहुत कम मात्रा में दवा होती है, इसीलिए साइड इफेक्ट्स या दुष्परिणाम नहीं होते। यार कुछ भी कहो, जो वो झंझट है यार, और वो फायदा की नहीं होता, मुझे मालूम है। अरे गप्पीदास, अरे सही ढंग से उपयोग करोगे तो ही फायदा होगा ना। सही तरीका तो मुझे मालूम नहीं, कौन सिखाएगा? डॉक्टर साहब। लेकिन उनको भी मालूम नहीं होता। अबे गधे के बच्चे, गोलो डैडी। क्या? देखो डॉक्टर साहब को सब कुछ मालूम रहता है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, समझे? अब वो देखो, लो तुम्हारे लिए बोतल लो। अरे दूध की बोतल? अरे मैं क्या बच्चा हूँ? तुम बच्चे नहीं हो लेकिन अकल के कच्चे हो। अरे गप्पीदास, वो दूध की बोतल नहीं है और ये लो पंप। यार जेब में पंप, जादूगर हो यार जादूगर। अब असली जादू देखो, जादूगर में जादूगर। ये बोतल लो, पहले सांस छोड़ो, पंप जोर जोर से 3-4 बार हिलाओ, पंप बोतल में रखो और बोतल मुंह में। पंप 2 बार दबाओ, बड़ी सांस ले लो, पंप
सांस पकड़ के रखो और सांस छोड़ो। तुम तो कमाल के लड़के हो। नहीं, मैं हरि प्रसाद का लड़का हूँ। वाह रामदास बाबू, बढ़िया है। है ना, अगर दो दिन पहले पम का उपयोग करते तो अब तक ऑल राइट हो जाता। राइट। एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारे मन में जो डर है उसे भगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अस्थमा के बारे में काफी कुछ गलत फहमियां हैं, इसीलिए ये बातें भी ध्यान में रखो। थोड़ी सी परहेज उसके फायदे हैं अनेक। रोजाना कसरत करो, अस्थमा से मत डरो। इनहेलर, जिंदाबाद, गोलियां, मुर्दाबाद, अस्थमा का अंत होगा तुरंत। और आखिरी बात, तुम्हें मालूम है बंबई में 10 लाख मरीज हैं और उनके लिए ABAI नाम की संस्था। क्या ABCD? नहीं, ABAI, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था बहुत काम करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, जैसे मरीजों को लेकर पहाड़ चढ़ना, चलने की प्रतियोगिता करना और बहुत कुछ। और कुछ अस्थमा पर ढेर सारे नए साधन उपलब्ध है, इसीलिए वो अब जानलेवा बीमारी नहीं रही। क्या कहते हो, सच? अरे बिल्कुल सच। तो अब अस्थमा से डरोगे नहीं ना? ना, नो, नेवर, नॉट। अब तो उसे करूंगा दम दमादम दम। देखते हैं उसमें कितना है दम। हम अस्थमा का करेंगे खात्मा, उसे कर देंगे खल्ला।